सर मैं मोंटू तस्ती का बेटा। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, पर ये हालत तुम्हारी किसने की? सर आपको तो पता है ना मैं कितना भोला भोला मासूम सा बच्चा हूँ। हाँ? मैं किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। और मैं स्कूल में सर झुका के आता हूँ और घर पे आते थे सर झुका के ही जाता हूँ। बेटा अगर अपनी तारीफ पूरी हो गई हो तो प्लीज हमें भी बता दो कि तुम्हारी ये हालत किसने की। मेरी हालत है ना ये। मतलब तुम कहना चाहते हो कि ये हालत तुमने तुम्हारी खुद की है? नहीं 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 मेरी ये हालत है ना ये। मोंटू तू तेरे से तुम्हारी बात क्यों बोल रहा है? अरे यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये सब मेरे साथ हो रहा है। मोंटू बहुत टाइम पास हो गया, मैंने बच्चों को पढ़ाना भी है, अब प्लीज साफ साफ बताओगे कि तुम्हारी हालत किसने की? सर मेरा ये हाल है ना। तो जो बॉस बॉस बोलते हैं और तो हम लोग पैसे नाम डालते हैं क्या है यार? अरे यार समझने की कोशिश करो, मैं तो सर को भी नहीं समझा पा रहा हूँ, अभी तुम ही समझाओ ना, समझाना यार केवल। एक्चुअली सर मोंटू की ये हालत केवल सच्ची में गधा है, कुछ काम का नहीं। रोहित तू ही बता सर को। एक्चुअली इसकी हालत है ना इस... देखो बेटा मुझे लग रहा है तुम लोगों को बोलने में परेशानी हो रही, तो मोंटू बेटा तू एक काम कर, बोर्ड पे उसका नाम लिख दे। थैंक यू सर, थैंक यू, क्या आइडिया दिया है सर, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। सूरज तो माथे पर आ गया, अब बस माथे पर मुकुट आने की देर है। फिर मैं बनूंगा इस ब्रह्मांड का राजा। तोबा तोबा। आओ मेरी प्यारी परिया आओ आओ आओ। आई ले मेरा जादुई दंड, मतलब परी भयंकर का जादुई दंड। डूबा डूबा थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई पर तुम्हारा काम हो गया। आहा काम तो हो गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। नहीं पता तुम्हें कि तुम क्या लेके आई हो मेरे लिए। अरे डूबा डूबा तुम भी नहीं जानते कि आखिर हम दोनों तुम्हारे लिए लेकर क्या आए हैं। हाँ?
नहीं पता होगा मुझे है ये क्या। अरे है देखा सपना जिसका मैंने, मतलब परी भयंकर ने दिन रात, नहीं पता होगा मुझे उसका। आ हा हा हा, अब नहीं होता इंतजार, जल्दी से करवाओ इस जादुई दंड का दीदार। अरे डूबा डूबा, अभी कराते हैं तुम्हें इसका दीदार। पर पहले ये तो बताओ कि आखिर तुम इस जादुई दंड के साथ करोगे क्या? अरे हाँ बताया तो, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके, सर्वनाश कर दूंगा इसका। धुड़ं, धुड़ं, धुड़ं। डूबा डूबा, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठाते हो? हम ही कर देते हैं तुम्हारा ये काम। क्यों नाराज? हाँ नाराज। राजा बनना था मुझे इस जादुई दंड के मदद से। मेरा सारा सपना मिट्टी में मिला दिया तुमने। अरे ये क्या किया तुमने? अब नहीं छोड़ेगा तुम्हें ये तौबा तौबा। तौबा तौबा? हाँ, हूँ नहीं मैं डुबा डुबा एक, हूँ मैं साहसी बलशाली महान योद्धा तौबा तौबा। यही सच्चाई तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे तौबा तौबा। अब देखना कैसे हम दोनों नाराज और तराज मिलकर तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाते हैं। नानी, अब बताते हैं। माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, तू माफ कर दो। मोंटो, ये किसकी तस्वीर बनाई है तुमने? सर ये तस्वीर। शाजा, मोंटो तू अपने पापा से कह के चाहे मेरा डिमोशन करवा दे, लेकिन जो हरकत तूने आज की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। चलो तीनों वहां पे खिड़की के पास कान पकड़ के खड़े हो जाओ, चलाओ। देखा नाराज, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नाराज परी, नाराज परी नहीं मेरे लिए, पर परी भयंकर के लिए लाना पड़ेगा वो जादू इतना। माफ कर दो बॉस, बॉस माफ कर दो, गलती होगी बॉस, माफ कर दे गलती बॉस। तुम लोग को बच्चे चुराने के लिए भेजा था और तुम लोग कपड़े चुरा के आ गए। अपन का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया, पूरा मिट्टी में मिला दिया। बॉस अभी आपका नाम हुआ ही किधर है? चुप। क्या ये बच्चे से डर के वापस आ गए? क्या सोच के सरदार खुश होगा? कौन सरदार? अरे मैं सरदार, बॉस। बॉस वो बालवीर बच्चा नहीं है, आफत है आफत। वो कुछ मैजिक मैजिक जानता है, अब उससे बहुत ऊपर की आइटम है वो। ये इधर सबसे बड़ा आइटम अपन है। अपन बड़ा? ये बालवीर का जादू का खेल है ना, अपने सामने नहीं चलेगा। और इस बार किडनैपिंग के टाइम अपन भी तुम्हारे साथ चलेगा। बॉस बालवीर ने हम दोनों को मारा, बॉस हम दोनों को। आपका हाइट तो उसके बराबर है बॉस। ए बॉस, मेरा मतलब आप पॉकेट में क्यों पीटना चाहते हैं बॉस? ए अपन पीटता नहीं है, अपन पीटता है। तुम लोग देखना कैसे उन दो बच्चों को किडनैप करता है मैं, और फिर 21,000 रुपए मांगेंगे हम उनके मम्मी पापा से। हाँ बस 21,000। हाँ बस कुछ चारा नहीं हो जाएगा? ए चिंदी लोग, अपना भी कुछ स्टैंडर्ड है कि नहीं? 21,000 से एक पैसा भी कम नहीं लेगा हम लोग। चलो
गाड़ी निकालो अभी। ठीक है बॉस। ओके बॉस। क्या बॉस? मुझे भाई। हाँ बॉस। हाँ बॉस। गाड़ी निकालो। बॉस लगी तो नहीं। तौबा तौबा, वो दंड लाना इतना आसान काम नहीं है। अगर हमने उस दंड को उठाया तो रानी परी को तुरंत पता चल जाएगा। और वैसे भी तौबा तौबा, इस वक्त हम कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते। पर हाँ, भयंकर परी को बचाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। क्या? हम उनके जादुई दंड पर जादुई पानी को डालकर उनकी शक्तियों का निचोड़ निकाल सकते हैं। जादुई पानी? हाँ, तौबा तौबा, जादुई पानी। हम भयंकर परी के जादुई दंड पर जादुई पानी को डालेंगे, उससे उनकी शक्तियों का निचोड़ निकालकर उस जादुई पानी को भयंकर परी पर डालकर हम कम से कम भयंकर परी को आजाद तो करवा ही सकते हैं। तुम लोग के पास जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। चिंतित इनसे पैसे नहीं मांगने, इनके माँ बाप से मांगने। चुपचाप गाड़ी में बैठो, तुम लोग का किडनैप हो रहा है। हाँ, पहले तो तुम लोग बच गए थे पर अभी नहीं बच पाए होंगे। अरे वाह, इसी किडनैपिंग वैन में बैठना है क्या? चलो 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 नो। अरे क्या नो नो नो, चलो ना वैन में बैठते, मजा आएगा। अरे अंकल बाजू में बैठो, लेट नहीं हो रहा आपको? चलो चलो बाजू में बैठो। चलो क्या बंगाल गाड़ी है, बहुत शांत पट्टी कर रहा है तू। अब भी इसको पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज है। वो तो आपको बालवीर ही बताएगा आप क्या चीज है। अरे बालवीर क्या बताएगा, मैं उसको बताएगा कि मैं क्या चीज हूँ। वही तो मैंने भी कहा कि बालवीर आपको बताएगा कि आप क्या चीज हो। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बता दूंगा उसको कि वो क्या चीज है और मैं क्या चीज हूँ। वो तो जब बालवीर आएगा ना तो पता चल जाएगा कि वो क्या चीज है और आप क्या चीज हो। बस क्या बच्चों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो? हाँ हाँ, चलो ठीक है, गाड़ी में बैठो जल्दी। बच्चों जरा बैठने की जगह दे दो। थैंक यू। हाँ देख लिया आपकी गन, कितनी बार दिखाओगे? चल आप दरवाजा बंद करो, अगर हम भाग गए तो आपका टाइम भी तो वेस्ट होएगा। ए बच्चा सही बोल रहा है, अब भी मेरे को पता चला पिछली बार का किडनैपिंग फेल क्यों हो गया। चलो चलो दरवाजा बंद करो। ए बच्चा लोग बुलाओ, अभी जिसको बुलाना है अपन भी देखते हैं कौन आता है तुम लोग को बचाने के लिए। अरे बॉस जाने दो ना, काहे को मौत हुआ कितना चाहता ना हाथ डालने का। तुमने ये मेरे को फोकट का सजेशन मत दिया, कर चक्कर लगता है तुमको पिकनिक का बहुत शौक है। ठीक है बालवीर को बुला देते। बचाओ 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 बालवीर प्लीज। घबराओ मत बच्चों, बी 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 बच्चों को बचाने वाला बालवीर आ रहा है। मादरी, मादरी।
बच्चा बॉस ये बालवीर है बॉस बॉस ये बालवीर है अरे ये तो एकदम मासूम बच्चा है और तुम लोग इससे डर के वापस आ गए अरे लानत है तुम लोग पे लानत है चल अबे छोड़ दो इन बच्चों को वरना तुम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा बॉस सही करे ला बॉस छोड़ देता है नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा बॉस चुप चुप क्या पछताना पड़ेगा तुम गाड़ी गाड़ी स्टार्ट कर देखता हूं मैं कौन रोकता है मेरे को चल गाड़ी स्टार्ट कर वो आगे आगे बढ़ रहा है बॉस हाँ तो तू तो गाड़ी को रेस करना तो हम लोग भी आगे जाएंगे तू 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 गियर डाल तू गाड़ी अरे तू गाड़ी में गियर डाल ना गाड़ी को रेस कर गाड़ी को हाँ आवाज आना मांगता है डरना चाहिए अबे तू डर क्या रहा है ले चल मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं इन बच्चों को छोड़ दो अरे तू 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 आखिरी बार बोल या फिर पहली बार बोल अरे तू गाड़ी भगा ना अबे पीछे नहीं आगे ले ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते अरे गया तुम्हारा बालवीर पीछे अरे तू तो गाड़ी के पीछे भाग रहा है बॉस वो पीछे पीछे भाग रहा बॉस तू के सब खिला हमने क्या तू गाड़ी के पीछे भाग रहा है ये तो गाड़ी के डबल स्पीड में भाग रहा है भगा भगा अबे रेस पे पूरा वजन डाल भगा भगा गाड़ी को बॉस फुल स्पीड में चल रहा है गाड़ी बॉस अरे भगा बॉस मैंने कहा था ना बहुत संगठन लड़का है बॉस बॉस वो पीछे रह गया गायब हो गया वो बॉस चला गया बहुत डेंजर आइटम है वो वही मैं सोचूं कब तक गाड़ी के पीछे भागेगा अबे पीछे नहीं सामने देख अबे सामने खड़ा हूं ये आगे कैसे आ गया तू तू गाड़ी मत रोक भगाते रहे और पूरा रेस है नहीं पा रहा है गाड़ी चल
तू रेस दे गाड़ी को, मैं पूरा वजन डाल और आगे नहीं पा रहा है गाड़ी को, चल। अबे क्या हुआ बॉस, लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया बॉस। बॉस यही वो डंडा जिससे उसने जादू किया था बॉस। अच्छा तो तुम लोग भी अपने हथियार रेडी रखो। हथियार? हाँ जो भी अपने पास हो। हाँ बॉस। हाँ मैं उसको हुल देता हूँ। ए ऐसे हथियार तो अपने पास भी बहुत है, हिम्मत है तो बिना हथियार के लड़के दिखा। अच्छा तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। अरे ये हुई ना बात। ए रेडी हो तुम लोग? हाँ बॉस। चलो उतरो। बच्चा की क्या क्या? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। क्यों मत कर रहे? हाँ बोल। तो हम आज बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो कहाँ गया जोदाड़ो? मेरा मतलब कहाँ गया ये बच्चा? अरे आप सबको अच्छे से पता है ना कि मेरी क्लास में बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते। तो ये बच्चा बिना परमिशन के बाहर कैसे गया?
तुमने देखा तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर वो मेरी बुक नीचे गिर गई थी, वही लेने गया था। किताब नीचे उठाने गए थे या सोने गए थे? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ बच्चा कहाँ है? तुम्हें आवाज नहीं सुनाई देती? सर सुनाई तो दिया, पर मुझे पता नहीं था कि वो बच्चा मैं ही हूँ। तुम पक्का सोने गए थे है ना? मुझे भी 30 साल बेंच के नीचे सोने का एक्सपीरियंस है, और जब मैं भी पकड़ा जाता था ना तो ऐसे ही बुक उठाने का बहाना करता था। हाँ। और तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो ना? अगर तुम सो नहीं रहे थे तो इसका मतलब है तुमने मेरी सारी बात ध्यान से सुनी, मैंने क्या पढ़ाया तुमने सुना है ना? तो बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? सर वो पकड़ा गया चोर। हाँ। अब बताओ। सर मुझे पता है, आप मोहन जोदड़ो की सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे थे। वो तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे तो अब तुम मोहन जोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता पे प्रकाश डालो। बोलो सर वो क्या? इधर आओ, अब सारी क्लास के सामने खड़े हो जाओ। बच्चों ये बेंच के नीचे नहीं छुपा हुआ था, इसने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी है ना? तो अब ये आपको मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाल के दिखाएगा। चलो प्रकाश डालो प्रकाश। जी सर। मोंटू वो तुम्हारा चाबी वाला चल रहा था ना? ये क्या हो रहा है? प्रकाश की तैयारी सर। आपकी तैयारी? मोहनजोदड़ो की सभ्यता सर, डाल दिया प्रकाश। इधर आओ। तू गया बेटा आज काम से? मैंने सर आज उसका फर्स्ट डे स्कूल में। और सर हम बच्चे तो बहुत भोले ही होते हैं ना, जैसे टीचर बोले वैसे करते हैं। आपने बोला प्रकाश डालो, उसने डाल दिया। आपको बोलना चाहिए था ना मोहन जोदड़ो और उसकी सभ्यता के बारे में विस्तार से बताए, तो बता देता सर, बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा बहुत इंटेलिजेंट है, सब आता है। तो ये बताओ कि अंग्रेज भारत छोड़ के कैसे भागे थे? सर उस वक्त मैं वहां नहीं था। मेरा मतलब है कि मैंने वो पढ़ा नहीं है सर, फिर भी मैं बता सकता हूँ। अच्छा देखो बच्चों, इसने पढ़ा नहीं है लेकिन कह रहा है मैं बता सकता हूँ। देख ले बेटा, अगर नहीं बता पाया तो मैं प्रिंसिपल से कह के तेरे को चौथी क्लास से सीधा पहली क्लास में करवा दूंगा। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ कि अंग्रेज भारत छोड़ के कैसे भागे थे। 1, 2, 3 भागो! क्या कर रहे हो तुम? सर मैं बता रहा था कि अंग्रेज कैसे भागे थे। सर आप भी भागे होते ना तो ऐसे ही भागे होते। तू गया आज बेटा काम से? अरे नहीं नहीं सर, और हम बच्चे तो भोले होते हैं, आप जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। आपको पूछना चाहिए था कि अंग्रेज भारत छोड़ के कब गए, क्यों गए, कैसे गए, तो ये बता देता सर, ये बहुत इंटेलिजेंट है ना मैम? अच्छा बहुत इंटेलिजेंट है बेटा, तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ सर। देखो बच्चों, अपने मुंह से अपने आप को इंटेलिजेंट कह रहा, अभी मैं तेरी सारी इंटेलिजेंट्री निकालता। सर इंटेलिजेंट्री नहीं, इंटेलिजेंसी। हाँ हाँ वही, चुप बेटा। गाय पे निबंध लिख के बता। गाय पे निबंध? फंस गया ना। नहीं आता है ना? नहीं सर आता है।
कुछ करता हूँ। सर क्या मैं एक मिनट बुल्लू से बात कर सकता हूँ? तो पक्का गाय पे निबंध लिख सकते हैं? अरे गाय पे क्या, तो शेर चीता भालू सब पे निबंध लिख सकता। अरे शेर चीता पर निबंध नहीं लिखना है, गाय पर निबंध लिखना है, नहीं तो जो अपने साथ मेरी भी वाट लगवाएगा। मैंने कितना इंटेलिजेंट भूल के चढ़ा है तुझे। गाय पर निबंध नहीं लिखा ना तो टीचर तेरे साथ मेरी भी आरती उतार देगी। हो गया एक मिनट, चलो इधर आओ और गाय पे निबंध लिख के दिखाओ। हाँ सर। अरे महेश ये देखो क्या छपा है, बच्चों ये देखो आज के अखबार में क्या छपा है। क्या छपा है? बूढ़े में से जवान होने का फॉर्मूला छपा है। फॉर्मूला नहीं फॉर्मूला। हाँ वो वही सेम टू सेम, लाइए दिखाइए क्या छपा है। अरे बालवीर की खबर छपी है, उसने तीन गुंडों से बच्चों को बचाया है, वो तीन गुंडे की तस्वीर भी है इसमें। बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ए महेश तू आज से बालवीर को कहना कि बच्चों को बचाने के साथ साथ ना बूढ़ों को भी बचाना शुरू कर दे। ठीक है। ये मेरे बारे में कह रही है? मुझे नहीं पता क्या हुआ भाई। ए क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, बगीचे से इतना जल्दी क्यों आ गया? मुझे कोई बगीचे के अंदर घुसने ही नहीं देता, सारे बच्चे कहते कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं झूले पे नहीं झूलूंगा। मगर माँ तुम तो कहती हो कि मैं अभी भी छोटा हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ भाभी, मैं तो छोटा हूँ ना। हाँ रॉकी भैया आप छोटे हैं, आपका दिल भी बच्चे जैसा है, लेकिन ये बात वो बच्चे तो नहीं समझेंगे ना। समझाओ ना उनको, उनको समझाओ कि मुझे झूला झूलना है, मुझे वो गोल गोल वाला झूला झूलना है, मुझे वो ऊपर नीचे वाला झूला झूलना है, आगे पीछे वाला झूला झूलना, मुझे झूला झूलना है। अब बेटा झूले को छोड़ना, चल मैं तुम्हें आइसक्रीम देती हूँ। हाँ। और हाँ वो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ भी। हाँ, अच्छा। हाँ। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे कचौड़ी नहीं खानी, मुझे बगीचे में जाना है, मुझे झूले झूलने। मैं बालवीर को बोलूंगा और उसको बोल के ये बच्चों की डांट पड़वाऊंगा। रॉकी चाचू बालवीर तो बीबी भी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर, फिर वो बच्चों को कैसे डांटेगा? तो मानो बेटा तुम्हारे बालवीर से कह के चाचू के लिए एक अलग बगीचा मांग लो। हाँ, मुझे अपना एक बगीचा चाहिए जिसमें सिर्फ मैं झूला झूलूंगा और कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब ये रॉकी को कैसे समझाओ, कॉलोनी के बच्चों को तो इसका बढ़ता हुआ बदन ही दिखता है, उसका छोटा मन नहीं, और अबे बच्चों का भी क्या कसूर, जो दिखता है वही वो तो समझते हैं ना। हे भगवान इसकी परेशानी मैं कैसे दूर करूं। रॉकी चाचू बालवीर ने आपकी पुकार सुन ली, आप देख लें अब इसी घर में आपके लिए बगीचा बनेगा, ये वादा है बालवीर का। और उसके बाद डूबा डूबा एक, हाँ डूबा डूबा एक, क्या सोच रहे हो, इतनी देर से देख रही अपनी होठों पे जीभ फेर फेर के कुछ ना कुछ सोच रहे हो। नटखट परी हे आ रही याद मुझे पृथ्वी लोक की, उन घरवालों की, वो दादाजी जो हिमक्रीम के डिब्बे के बगल में खड़े होकर मुझे व्याकरण पढ़ाते थे, वो दादी जी जो हिमक्रीम के डिब्बे के बगल में खड़े होकर पूजा करती थी,
वो रॉकी चाचू जो हिमक्रीम के डिब्बे के सामने खड़े होकर मुझसे खेलते थे। डूबा डूबा एक ऐसे घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना, क्यों तुम्हें घर वालों की नहीं हिमक्रीम की याद आ रही है? हाँ नटखट परी, आ रही याद मुझे हिमक्रीम की और आ रही खुशबू हिमक्रीम की भी। हिमक्रीम नटखट परी है लगता मुझे है हिमक्रीम दूर मुझसे 10 हाथ। नटखट परी है लगता मुझे अब तो है हिमक्रीम मुझसे 5 हाथ दूर है लगता मुझे अब मैं बढ़ाऊंगा हाथ में आगे और आ जाएगी हिमक्रीम हाथ में। बालवी तुम यहाँ कैसे? हिमक्रीम ले लो हिमक्रीम, ठंडी ठंडी हिमक्रीम, मस्त मजेदार हिमक्रीम। ये हिमक्रीम खत्म क्यों नहीं हो रही? वो क्या है ना बाली, मैंने जादू से हिमक्रीम की मात्रा बढ़ा दी। बड़ा मन कर रहा था ना डूबा डूबा एक को हिमक्रीम खाने का, अब इसे आराम से खाने दो। नटखट परी मैं आपके पास एक खास काम से आया था। बोलो ना बालवी क्या काम है? नटखट परी पृथ्वी लोक पे रॉकी चाचू बहुत परेशान है, उन्हें वहाँ के बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, उन्हें बगीचे में खेलने नहीं दे रहे। लेकिन बालवीर तुम तो बालवीर हो, फिर तुम्हारे रहते रॉकी चाचू परेशान कैसे रह सकते हैं? तुम तो उन शैतान बच्चों को अच्छे से सबक सिखा सकते हो। नटखट परी वो बच्चे शैतान बच्चे नहीं है, बल्कि रॉकी चाचू उम्र में बड़े हैं, पर उनका दिल बच्चे जैसा है। ये बात बच्चे समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो उन्हें बगीचे में खेलने नहीं देते। अच्छा तो ये बात है, लेकिन अब इसका क्या किया जाए? सोचो बालवीर सोचो। नटखट परी मैंने पहले से ही सोच के रखा है। क्या? आप रॉकी चाचू के घर में बड़ा सा बगीचा बनवा लो, उसमें सारे झूले लगवा दो, फिर बग्गी चाचा रॉकी चाचू को सारे झूले पे बिठा के खिलाएंगे। बग्गी चाचा? अब ये बग्गी चाचा कौन है? जादुई डंड लेने नहीं, सिर्फ उसकी शक्तियों का निचोड़ लेने आए हैं। हाँ तौबा तौबा, जिससे भयंकर परी भी आजाद हो जाए और रानी परी को हम पर कोई शक भी ना हो। तराज, मैं इस जादुई डंड के ऊपर ये जल छिड़कूंगी और तुम इस जल को इकट्ठा करना। ठीक है नाराज, चलो तराज। ये परिया एकदम बेवकूफ है, सामने पूरा खजाना और ये उठा रही है चिल्लर। पर हूं नहीं मैं बेवकूफ, भाग जाता हूं उठा के ये जादुई दंड, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा देखता हूं। तौबा तौबा, क्यों छुआ कितने इसे?
कि ओहो, इसको उठाने के चक्कर में मैं लेट जाऊंगा, इससे अच्छा बैठ ही जाता हूं। रॉकी, ओ रॉकी, 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 ओ रॉकी, तुम कौन हो? बगीचा चाचा। बग्गी चाचा? ओह, बग्गी वाली चाचा? नहीं, बग्गी चाचा। होती है एक आत्मा हर बगीचे की, और वो आत्मा मैं हूँ, बग्गी चाचा। हाँ, दुखी हुई मेरी आत्मा जब पता चला मुझे निकाल दिया उन बच्चों ने बगीचे से तुमको, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा अपना खुद का बगीचा दिलाने आया हूँ। खुद का बगीचा मेरा? हाँ रॉकी, वो सिर्फ तुम्हारा होगा। बोलो, बगीचे में सबसे अच्छा क्या लगता है तुम्हें? सबसे अच्छा झूला। हाँ, मुझे झूला अच्छा लगता है, वो गोल गोल घूमने वाला झूला। हाँ। झूला गोल गोल घूमने वाला? हाँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो। छुआ तुमने जादुई डंड को? तुम्हें मालूम है ना, रानी परी की आज्ञा के बिना जादुई डंड को छूना मना है। वो तो अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पर आ गए, वरना ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। हाँ, जांच पड़ताल रात आकर मैं जांच पड़ताल यहाँ की कि है कितनी सुरक्षा व्यवस्था पक्की यहाँ की। है अच्छी, है वाकई में बहुत अच्छी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। छूते ही मेरे भजने लगा भोपू और आ गई भाग के सारी परिया। खुश हुआ मैं। जाओ परियो जाओ, कर लूंगा देखभाल मैं यहाँ की, आप निश्चिंत होकर जाओ। जाइए। तौबा तौबा, अब तुम इस जल को लो और इस जल से तुम भयंकर परी को आजाद कर सकते हो। चलो तराज। आओ आओ, लो आ गया तुम्हारा गोल गोल झूलने वाला झूला। कहाँ है, कहाँ है? ये रहा। ये तो बहुत छोटा है। ये छोटा नहीं है, तुम बड़े हो। मतलब? अभी दिखाता हूँ। हमारा घर इतना बड़ा कैसे हो गया? हमारे घर में इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया? पेड़ नहीं, मैं बग्गी चाचा हूँ। अरे बग्गी चाचा, आप ये मुझे क्या कर दिया? अरे डरो मत, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। क्यों आ रहा है ना मजा? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अरे भाई उतरो तो सही। Yellow.
में झूलते रहोगे क्या? दूसरे झूले में झूलना नहीं है? दूसरा झूला है ना? हाँ हाँ हाँ, दूसरा झूला मुझे वो फिसल पट्टी पे झूलना है, फिसल पट्टी पे। चलो मेरे साथ। हाँ चलो। हाँ अब अपना पैर रखो ना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। अरे डरो मत, मेरे होते तुम नहीं गिरोगे। तैयार? एक बार। एक बार। ये पता है कॉलोनी के सारे बच्चे सीढ़ी चढ़ के फिसलते हैं और मैं उड़ के फिसल रहा हूँ। मतलब जाते वक्त भी मजा और आते वक्त भी मजा। मजा आया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। तुम जा रहे हो? अरे हाँ, मैं आता रहूंगा बार बार तुम्हें झूले में झुलाने के लिए। लेकिन हाँ रॉकी, भूल कर भी किसी को मेरे बारे में मत बताना, वरना नहीं आऊंगा मैं झूले में झुलाने के लिए यहाँ तुम्हें। ठीक है, मैं भी सोने जाता हूँ। सो जा, मैं भी गायब हो जाता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा तो करते जाओ। अरे हाँ वो तो रह गया। अरे वाह, अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। शुभ रात्रि। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो बालवीर, खुश रहो बगीचा चा, खुश रहो। रॉकी चाचू, और जोर से हिला मैं, और जोर से। ये तो बड़ा मस्त झूला बन गया, बड़ा मजा आ रहा है। और हिला। अरे मानव, ये झूला तेरे लिए नहीं, रॉकी चाचू के लिए। रॉकी चाचू इधर आइए, ये देखिए मैंने और मैरी ने आपके लिए छोटा सा झूला बनाया है। आप इस पर बैठ के देखिए, आपको लगेगा कि आप झूला झूल रहे हो। अरे वाह, मैं देखता हूँ। नहीं, मुझे नहीं झूलना। क्या हुआ है? सुबह से ऐसे ही हंसे जा रहा है। क्यों हुआ? पता नहीं, सुबह मैंने उसे कहा कि मेरी वो दोस्त है ना माटुंगा वाली, हाँ? उसकी फोईबा की बाल कॉलोनी में। अरे दादी, बाल कॉलोनी नहीं, बाल कॉलोनी। हाँ वो वही, सेम टू सेम। तो उसकी बाल कॉलोनी में झूला है, चल वहाँ चल, उसे झूलाती हूँ। पता ही नहीं है। नहीं, मुझे वहाँ पे झूला नहीं झूलना, क्योंकि उनके जो माँ बापू जी है ना, वो लोग खूब मोटे मोटे से, और वो लोग झूले के दोनों तरफ बैठे रहते, तो जगह बचती नहीं है। और वैसे भी मैंने झूला झूल लिया। झूला झूल लिया कहाँ? लगता है इसने सपने में ना झूला झूला है, इसलिए ना बोल रहा है। ओ, ये स्कूल इधर है? आप किधर है? मैं भी इधर ही हूँ। मेरा मतलब है कहाँ गए थे? कुतुब मीनार। पर कुतुब मीनार तो हैदराबाद में है। दादाजी, दादी, चार मीनार हैदराबाद में और कुतुब मीनार दिल्ली में। हाँ हाँ, वो वही, सेम टू सेम। क्या हर बात में सेम टू सेम, सेम टू सेम। कहाँ जा रहे? बाथरूम। स्टूल लेके। वो चला गया ना। कौन? वो, हाँ, बाथरूम का बल्ब चला गया ना, उसको बदलने जा रहा हूँ। अरे हाँ बच्चों, ये बल्ब पे से याद आया, ये बल्ब है ना, मैं बाजार वाले लाला जी की दुकान से लाया हूँ। उसके पास 50 पैसे लेने बाकी है। हाँ तो मानो बेटा, वो हिसाब के 50 पैसे चोपड़े में लिख लेना।
जी दादाजी। तब तक ये बल्ब मैं बाथरूम में लगा के आता हूँ। ए आप रहने दीजिए, फिर वो आप अटक गए ना तो मुसीबत हो जाएगी। क्या हर बार अटक जाओगे अटक जाओगे, तुम मुझे समझती क्या हो? अटकू दादाजी। मैं नहीं अटकूंगा। अरे बुढ़ापे में ना लोगों को समझाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अरे दादी, इम्पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल। हाँ वो वही सेम टू सेम। दादी सही कह रही थी, बुढ़ापे में किसी को समझाना इम्पॉसिबल है। लगता है तुम्हारे बापूजी ना फिर से अटक गए। क्या हुआ क्या हुआ? अरे तुम्हारे बापूजी फिर से अटक गए हैं बाथरूम में। चलो देखते हैं, जल्दी चलो। जल्दी है यार। ये स्टूल का झूला किसने बनाया था? झूल झूल के हिल गया। आपको मैंने मना किया था कि आप फंस जाओगे, पर मेरी ये घर में सुनता कौन है? मैं सुनते हैं। तो मैं भी सुनती हूँ, पर ये जिनको सुनना है वो नहीं सुनते। देखा फिर से अटक गए ना। मुझे ये पता नहीं चलता है कि मैं अटक जाता हूँ या मुझ में कोई चीज अटक जाती है, तब आप संसद भवन की तरह डिस्कस करने क्यों बैठ जाते हैं? सॉरी सॉरी बाबूजी, हम लोग पहले इनको छुड़ाते हैं, बाल्टी निकालते हैं ताकि इनका चेहरा तो दिखे। धीरे माँ। क्या कर रही हो तुम? अरे बाल्टी निकाल रही हूँ। अरे लेकिन गला। हाँ हाँ एक मिनट। हो गया चलो जाते। अरे क्या चलो चलो जाते। क्या हुआ? ये लोटा ये कलसी कौन निकालेगा? ओ हाँ क्या ये तो भूल ही गए हैं। एक मिनट। बहू तू जरा कोशिश करना। निकल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसमें बल्ब है। अरे आपने बल्ब को क्यों पकड़ के रखा है? क्योंकि बल्ब बाथरूम में लगाना है ना। अरे पर जब बल्ब छूटेगा आपका हाथ बाहर निकलेगा तभी आप लगा सकोगे कि नहीं? तो हाँ बल्ब निकाल देता हूँ। बाबूजी वो आप अपने पैर से बल्ब छोड़ दीजिए तो कल से निकल आएगी। मेरे बुद्धिमान बेटे, पैर से कोई बल्ब कैसे पकड़ सकता है? कैसे आप अपने हाथ से पकड़ सकते हैं? अरे कस्तूरी से समझाओ। हाँ 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 हाँ। हम दोनों कलसी पकड़ते और आप लोग दादाजी को पकड़ो। हाँ 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 चलो चलो। बापूजी एक काम करते हैं, उनके आने का इंतजार करते हैं। वो आएंगे तो सही तरीका बताएंगे निकालने का। हाँ ऐसा ही करते हैं। महेश को आने दो, तब तक हम सोचते हैं कि कैसे निकाले। मेरा जादुई डंड कहाँ है? घबराइए मत परी भयंकर, ले आया हूँ सारी शक्तियों का निचोड़ इस जादुई पानी में। अब बोलो।
है कौन गधा, है कौन बुद्धू? हाँ तबा तबा जल्दी से ये पानी छिड़क दो। अरे परी भयंकर नहीं था इतना आसान ये जादुई पानी लाना, जितना समझ रही थी आप आसान। तो पानी छिड़को। हाँ हाँ, अरे परी भयंकर रुकिए तो सही, पहले मेरी बात तो सुनिए। नाराज ताराज परी निकली बिल्कुल निकम्मी, नहीं किया उसने आपका कुछ काम। अकेले जान पर खेल कर मैं पहुंचा रानी महल। बकवास बंद करो और पानी छिड़को। हाँ हाँ परी भयंकर रुकिए तो सही, सुनिए मेरी बात। नाराज ताराज परिया निकली एकदम धोखेबाज। हाँ वो बोली, परी भयंकर बन चुकी है अब पुतला, वो नक्चली बेवकूफ गधी पागल परी भयंकर। चुप रहो, पानी छिड़को मैंने कहा। धमकी तो देना ही मत परी भयंकर, नहीं तो नहीं छिड़कूंगा ये जादुई पानी आप पर कभी भी। हाँ धमकी कहाँ दे रही हूँ मैं तुम्हें तबा तबा? मैं तो कह रही हूँ कि पानी छिड़को वरना तुम्हारी भयंकर परी परेशान होगी। तुम अपनी परी भयंकर को और परेशान देखना चाहते हो? अब आई ना पटरी पर। अभी छिड़कता हूँ मैं ये जादुई पानी आप पर और कर देता हूँ आपको आजाद में। अभी लो, जल्दी करो। मैं अपना शुक्रिया के बदले ये क्या दिया? मुझे बेवकूफ समझते हो? कब से बकवास किए जा रहे हो? क्या समझते हो तुम? मुझे मजबूर असहाय देखकर कुछ भी बोलोगे तुम? ने कद से कुछ ज्यादा ही ऊंचे उड़ने लगे हो आजकल। नहीं, बस, हूँ मैं गधा, बेवकूफ कम होकर बुद्धू, बिल्कुल अपने तरह। बालवीर, अब तुम मेरी गिरफ्त से दूर नहीं। ये भयंकर परी अब आजाद हो चुकी है। अब जब तक तुम्हें और रानी परी को अपना गुलाम नहीं बना लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। मैं आ रही हूं। सुना तुमने? मैं आ रही।